चलिए आज हम बनाते हैं भिंडी मसाला। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पम्मी, मेरी रसोई में आप सबका स्वागत है। तो ये देखिए, ऐसे करके हम भिंडी को अच्छे से धो लेंगे और इसे जो है ना, किसी किचन टॉवल या कॉटन वाला कोई भी कपड़ा हो उससे हम इसका पानी सुखा लेंगे। उससे होगा क्या, जो भिंडी का लिसलिसी है ना वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने सारे भिंडी को सुखा लिया है। अब हम इसका जो है, ऐसे जो ज़्यादा छोटा रहेगा तो उसका बस एक ही कट लगाएंगे, और जो थोड़ा बड़ा रहेगा ना तो उसका दो तीन टुकड़ा कर लेंगे, और ऐसे करके बीच से थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें कट लगा लेंगे। देखिए भिंडी हमारा कट गया है। तो चलिए अब हम इसका सब्जी बनाते हैं। कढ़ाई में ये हमने ऑयल गरम कर लिया है, उसमें डाल दिया 1 टीस्पून जीरा और एक बड़े साइज का प्याज जिसे हमने बारीक काट लिया है। और इसे हम ऐसे करके प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज हमारा पक गया, अब हम इसमें डाल देते हैं भिंडी। और भिंडी देखिए ऐसे थोड़ा सा चला लेंगे, तो जब आप भिंडी को किसी कॉटन टॉवल से सुखा के आप बनाएंगे ना तो उसमें लिसलिसी नहीं होगा। और इसमें हम डाल देते हैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अभी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे, नमक डालने के बाद जो भिंडी है ना वो पूरा चिपकने लगेगा। थोड़ा सा जब ये पक जाएगा उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। देखिए ऐसे चलाते हुए हमें भिंडी को पका लेना। जब हमारा भिंडी आधा पक गया है अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, और ऐसे करके हम थोड़ी देर तक जो है इसे ढक के और 2 से 3 मिनट तक ढक के पकाएंगे जिससे कि भिंडी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए भिंडी हमारा बनके तैयार हो गया है। बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। ओके, बाय।